जन चौपाल के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महिला आगे बढ़ रही है और सारे सरकारी योजना में भाग लेके वो लड़ रही है कि नहीं, हम ही लोग को सखी मंडल में ही वो सारी योजना दीजिए और हम लोग काम करें। आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो बस उन्हीं का देन है, नहीं तो हम घर में ही बैठ के बस एक गरीब में ही पले बड़े थे और वहीं रहते, और आज हम इतना दूर पहुँच गए हैं इसका माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ। हम लोग इतना सरकार का ही थ्रू से चल रहे हैं और सब कुछ मिल रहा है हम लोग का सरकार का ही से, इसीलिए हम बहुत ही खुश हैं और बहुत सरकार को भी धन्यवाद देने चाहते हैं। हम लोगों का काम है समूह गठन करना, उनको बैंक से लिंकेज करवाना, आरएफ दिलवाना, दीदी को बचत करने सिखाना, प्रशिक्षण दिलवाना और दीदी को आजीविका से जोड़ना, ताकि दीदी जो पहले गरीब थी अभी अपने आजीविका को बढ़ाकर अपना स्तर को ऊपर उठाए। मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने ग्राम पंचायत में गरीब लोगों को मैं जनसेवा केंद्र चला रही हूँ, तो अपना जनसेवा केंद्र में जाति निवासी आय प्रमाण पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड वगैरह निःशुल्क बनवा रही हूँ और वो लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पति डेट कर गए 12 तारीख बरमा महीना को। हाँ, तो विधवा पेंशन भरे हैं। कोई भी झारखंड में विधवा मान एक महीने के अंदर आप देखिएगा कोई विधवा मान ऐसा नहीं रहेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता रहेगा, उसका घर जो बेघर है उसको घर भी अम्बेडकर आवास योजना के तहत उसका घर भी बनेगा। ठीक है, आपका फॉर्म जमा किए है ना, वो अब एक सप्ताह के अंदर सैंक्शन हो जाएगा। देखो लड़की भी शादी करने का है, पैसा बहुत गरीबी हूँ। शादी कब है? शादी लगी नहीं, शादी तय करना होगा। 51,000 रुपया मुख्यमंत्री विवेकाधीन से हम दे देगा। ठीक है, अभी भी मेरा गाँव में मतलब रोड की जरूरत है। अभी हम लोग ना लतौना महुआ टोला गांव है। दीदी सुन लो, आप दे दो लिख के। अभी आरियो में हम लोग पैसा बजट में ज्यादा देने जा रहे हैं। अब गांव गांव में बिजली का काम हो रहा है कि नहीं है? तो अब देखिए बिजली गांव गांव पहुंचेगा, अब हम ग्रामीण सड़क में पैसा देने जा रहे हैं, तो गांव गांव बिजली हो जाएगा, गांव गांव सड़क हो जाएगा, तो गांव का इकोनॉमी पूरा चेंज हो। सरकार और जनता के बीच कोई फासला नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि बजट में आपके जो सुझाव आएंगे उस सुझाव को हम लोग प्रावधान करने की कोशिश करेंगे। अपने झारखंड के सीमांत किसान और लघु किसान को सालाना 5,000 रुपया, एक एकड़ जिसका होगा उसको भी 5,000, एक एकड़ से अगर कम जमीन है उसको भी 5,000 रुपया, अगर किसी का वो हाईएस्ट जाएगा 5 एकड़ किसी का जमीन है तो उसको सालाना 25,000 रुपया मिलेगा, और ये सीधे पैसे आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। आपको जो समझ में आता है खाद खरीदना तो आप खाद खरीदो, आपको लगता है बीज खरीदना ओपन मार्केट से आप खरीद सकते हो। किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि केमिकल का अपना उपयोग ना कर, आप जैविक खेती करो और बाजार की चिंता मत करो, बाजार की चिंता राज्य सरकार करेगी।